ये सनु जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आ रही है 3400 के लेवल टच करने के बाद। वहाँ पे हमने देखा था कि बिनौला खल 3300 के ऊपर ही सस्टेन होकर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज देख रहे हैं कि लगभग 3300 का लेवल ही छू चुका है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से बिनौला खल में कुछ और गिरावट बनेगी? देखिए, बिनौला खल और कॉटन सीड में मुझे लगता है कि कॉटन में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मार्जिन बढ़ाने का देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार का इंटरवेंशन होता हुआ दिख सकता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच अपनी चाहिए। जिन्होंने खरीदारी करी है उनके लिए सलाह है कि एक बार बेच के निकल जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आगे कुछ भी स्टेप लिया जा सकता है, मार्जिन बढ़ाए जा सकते हैं। कॉशियस अप्रोच के चलते मुझे लगता है कि काउंटर में अभी कोई पोजिशन ना ले, यहाँ पे थोड़ा सा जो सरकारी इंटरवेंशन है वो आ सकता है। तो हमारा व्यू है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है जी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।